बोलिए सद्गुरुदेव की भक्त मंडली की आज के आनंद की आज महान संत रविदास महाराज का अवतरण दिवस है। माघ सुदी पूर्णिमा को उनका अवतरण हुआ था। मेरा जन्म भी चैत्र पूर्णिमा उस समय 18 अप्रैल था। इस बार 19 अप्रैल को पूर्णिमा है, एक दिन का अंतर रह गया क्योंकि हिंदी की मैथमेटिक कम लोग जानते हैं, इसलिए स्कूल में भी हिंदी तिथियां समय शायद नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो 18 अप्रैल ही माना जाता है। दो बार ऐसा वाक्या हुआ है कि पूर्णिमा 19 अप्रैल की आई है, पर एक बार शायद मुझे ध्यान है 18 अप्रैल को आई है। बंधुओं, आंतरिक जगत के बारे में हमेशा बातें होती हैं, अध्यात्म यात्राओं की बातें होती हैं। मैं भी आध्यात्मिक यात्राओं पर किताब लिख रहा था, फिर मैं सोचा दुनिया नहीं समझेगी और ये बड़ी बारीक बात है, क्या ख्याल है? पर साहब ने भी उन जगत आंतरिक संसारों की बात की है। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहां बैन बिन बोलना नैन बिन सूझे, आपका खेल कहो कौन जाने। कह रहे जहां वाणी के बिना बोलने ही है और पैरों के बिना चलना है, इसी को परमानंद जी ने भी कहा, बिना पैर चले बिना कान सुने बिना हाथ हजारों याद कार्य करे, हैंड्स नहीं है तो भी काम होता है। इसी को गोस्वामी जी ने भी बोला, पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, यह विद सभय अलौकिक करणी, महमा जाए कौन विद्वान। पग बिन चले सुने बिन काना, कान रहत सकल रस भोगी, आनंद मुंह को कहते, मुंह के बिना भी रस मिलते। बिन वाणी वक्ता बर योगी, वहां ये वाणी नहीं है तभी भी सब चीज हो जाती है। तन बिन परस, बॉडी नहीं है तो भी पर्स है, कितना वंडरफुल है। नयन बिन दर्शे, आंखों के बिना दिखता है। गहे ग्रहण बहु शेख विशेखे, यानी सब काम नाक के बिना खुशबू है। यह विद सभय अलौकिक करणी, अलौकिक है जो इस दुनिया में नहीं है। महिमा जाए कवन विद वर्णी, बोला मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं। यही बात साहब कह रहे हैं, कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी, ये इशारा गुंगे वाला है। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, अखे वाजो पेखणा बिन कन्नड़े सुनना, नानक हुकुम पछाण के यूं जीवत मरना। मैं इसका प्रमाण देता हूं, प्रूफ ऑफ हेवन। डॉक्टर एलेक्जेंडर हैं, उन्होंने अपना अनुभव, ये किताब लिखी है
मैं इसका चैप्टर आज से 6-7 साल पहले भी जिक्र किया हूं, जिनको ध्यान हो हाथ खड़ा करें, मेरे पास अभी भी कटिंग है यही। दरअसल वो उसको अभी पता नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, इज नॉट मैच्योर। इसको भी ये नहीं पता है फिर कैसे जाना जाता है, जाया जाता है। मुझे कई लोग मुझे नहीं कहते हैं पर वो पब्लिक को कहते हैं हम सतलोक होके आए हैं, ठीक है। कुछ महात्मा भी कहते हैं, कुछ अन्य अन्य पंथ के लोग भी कहते हैं, पता है मैं फिर क्या पूछता हूं? वो 10 मुकाम का रिक्त था कबीर साहब ने, ये पहले कबीर साहब ने ही बोला, बाकी कोई नहीं बोला, उससे पहले कोई बोला ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इसे समझ लें। पहली बात, वो डॉक्टर एलेक्जेंडर कैसे गया मैं बताता हूं। वो कॉमा में था, कॉमा में जो हमारी ब्रीथिंग लेने का कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ा आत्मा, और वो यात्राएं करके आया। उसने साधना नहीं की, वो अननोन था बिल्कुल। पहले मेरा ये मानना था, इसको ट्रांसलेट किया है, उस किताब भी है, उसका नाम है प्रूफ ऑफ हीवन। वो कह रहा है मैं प्रूफ देता हूं स्वर्ग है, मैं गया, लेकिन अभी भी ये थोड़ी भूल में है। पहले मैं ये मानता था कि अगर मस्तिष्क नहीं है तो चेतना कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क ही चेतना को पैदा करता है। वो खुद एक डॉक्टर था। मैंने एक ऐसे सत्य को का सामना किया जिसमें चेतना थी, वो भी स्थूल मस्तिष्क और शरीर की सीमाओं से बाहर। मैंने कितनी बार अपनी वाणियों में बिना बोला है, पगविंचल्या शहर बेगमपुरा, ना बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ हजारों काज करे। मैं 7 दिन तक कोमा में रहा, उन 7 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उससे अनुभव, उसी से अनुभव से मैंने, उसी के अनुभव से मैंने यह जाना मस्तिष्क और शरीर की मृत्यु के साथ चेतना कॉन्शियसनेस का अंत नहीं हो जाता, मानव के अनुभव मृत्यु के बाद भी रहते हैं। देखो मैंने कितनी बार बोला, इंसान मर जाता है उसके बाद भी वो शरीर खत्म हो गया, मस्तिष्क खत्म हो गया और फूंक के आ गए, फिर भी वो उसको पता चलता है मेरा भाई है, मेरा माता है, मेरा पिता है। मैं जानता हूं मेरी ये बातें जल्दी दुनिया नहीं समझने वाली है, उनका मुझे अनुभव है। ये तो कह रहा है मैं 7 दिन काम है मेरा, मैं बहुत बहुत दिन काम है मेरा, ये व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा है इसने झूठ नहीं लिखा है, कुछ भी जो कुछ लिखा है सच लिखा है। आज विश्व को गूगल ने इतना क्लोज कर दिया एक दूसरे के। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके स्मार्टफोन में काफी चीजें हैं। मैं यूक्रेन गया तो रशियन जो है इंग्लिश भी से नफरत करते हैं और हिंदी जानते नहीं है, तो एक लड़की थी एलिना, उसने बड़ी सेवा की और बैंक में मैनेजर थी, वो रशियन लैंग्वेज जानती थी सर, थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, आर्मी में भी लंबा टाइम क्लर्क का काम किया,
हालांकि कंटिन्यू प्रैक्टिस ना होने के कारण से कैबुलरी थोड़ी लेस हो जाती है। वो कुछ नहीं समझ रही थी, उसने अपना स्मार्टफोन खोला, वो बोलती जा रही थी अपनी भाषा में और मोबाइल ट्रांसलेट करता जा रहा था इंग्लिश में। वहां गए हो कभी? नहीं। वहां जाना कभी? कौन कौन सी भाषाएं ट्रांसलेट करेगा वो बताऊंगा। वो जो बोल रही थी रशियन में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती जा रही थी, और जो मैं हिंदी में बोल रहा था वो रशियन में ट्रांसलेट होता जा रहा था। जो कभी मोबाइल में इस साइट में गया हुआ खड़ा करो, हाँ खड़े हो जाओ। लेकिन आपको लॉन्गेस्ट बोलना पड़ेगी। तो मैं जो कुछ बोलता जा रहा था वो विद इन नो टाइम ट्रांसलेट करती जा रही थी ऐप, और जो वो बोल रही थी रशियन वो मुझसे। देखा कितना आसान काम कर दिया, अभी इंटरप्रेटर की जरूरत ही नहीं है आपको, इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। वो ऐसा देश है जहां एक ही चीज है, वो बोलती भी है, चलती भी है, देखती भी है, सुनती भी है और समझती भी है। यहां तो इन सब के लिए अलग अलग पार्ट्स है, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए। मैं यहां यही कहना चाहता हूं, यहां भी एक ही चीज कर रही है पूरा काम। यहां चलने के लिए टांगे अलग है, देखने के लिए आंखें अलग है, सुनने के लिए कान अलग है, बोलने के लिए मुंह अलग है, लेकिन वहां एक ही चीज देख भी लेती है, सुन भी लेती है, बोल भी लेती है। अजीब है वो आत्मा है। इसी को वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन आत्मा की आंखें नहीं है पर सभी दिशाओं में देख सकती है, आत्मा के कान नहीं है फिर भी सभी दिशाओं से सुन सकती है, आत्मा के हाथ नहीं है फिर भी सभी दिशाओं से चल सकती है, आत्मा के पांव नहीं है सभी दिशाओं से चल सकती है। ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। इसी को साहब भी कह रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। मैं कई बार बोलता हूं कि अब जब शरीर यहां हमने अग्नि के सुपुर्द कर दिया, या मुसलमान और ईसाइयों ने शरीर को जमीन दोष कर दिया, तो बाकी आगे क्या जा रहे हैं आगे? मैंने उस लड़के को कहा कि पूरी अब किताब मत हो गए, ऐसी भी एक बात नहीं निकलेगी जो मैंने नहीं कही है। इस तरह वो अद्भुत काया। इसी पर साहब ने भी बोला है, लेकिन इसने जब गया ताजा ताजा उसने पूरी डिटेल लिख दी है। सात दिन में जो मेरे साथ हुआ उसके अनुभव से मैंने यह जाना कि मस्तिष्क और शरीर की मृत्यु के साथ चेतना कॉन्शियसनेस का अंत नहीं हो जाता। मानव के अनुभव मृत्यु के बाद भी रहते हैं घोर अंधेरा, वो फिर भी रहते हैं, तभी तो पितृ तर्पण कर रहे हैं। आदमी अध्यात्म से इतना दूर क्यों हो गया? काल पुरुष ने उसको भौतिक दुनिया में ऐसे उलझा कर रखा है कि पूछो मत। आज पूरी दुनिया को निरंजन ने एक बड़ी बीमारी दी, सभी उसी बीमारी से पीड़ित हैं। स्मार्टफोन रात दिन इसी में लगे हुए हैं। मैं जहाजों में देखता हूं बच्चे क्या उसी में खेलते रहते हैं, और बच्चों को चश्मा लगता है, कई रंग हैं कलर हैं, वो आंखों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। बूढ़े क्या वो गेम खेलते रहते हैं, गंदी गंदी फिल्में देखते रहते हैं। स्त्री क्या पुरुष क्या सबका एक ही हाल है। यह है निरंजन का खेल। मैं अंधेरे में डूब गया था, एक ऐसा अंधेरा जिसको मैं देख भी सकता था, ऐसा अंधेरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं कहता सुन्न महल में घोर अंधेरा करो नाम उजियारा। मैंने एक बात कही थी, विज्ञान एक दिन मानेगा पर अभी टाइम लगेगा। अभी आदमी इस स्थूल जगत में रमा हुआ है, उसको इसका ज्ञान नहीं है। और मैं ऐसे अंधेरे हुआ था जैसे किसी तरल, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तरल पदार्थ में डूबा हुआ हूं।
उसके बीच में से मैं देख भी सकता था, मेरी चेतना थी लेकिन बिना चित और पहचान के, एक सपने की तरह, जहां आपको पता होता है कि आपके पास आसपास क्या हो रहा है लेकिन आपको स्वयं का पता नहीं होता कि आप कौन है। वाह कितना प्यारा कहा, सपने में आप अपने आसपास की सब चीजें देख रहे हैं लेकिन आप अपने बारे में नहीं देख रहे हैं कि क्या हूं। एक्सप्लेनेशन उसने बड़ा टॉप दिया कि डॉक्टर साहब वैज्ञानिक है, क्योंकि धरती पर इस ब्रह्मांड में दो चीजें हमेशा हैं, प्रकाश और टेम्परेचर। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सूर्य का प्रकाश रहता है धरती पर। जब मैं अमेरिका गया तो नॉर्थ पोल से गया था, तो एक घंटे में दिन दिखता था, फिर एक घंटे बाद जब मैं जहां पहुंचता था वहां रात होती थी। अपना अर्जुन भाई क्या कह रहा है, ऐसा ही है ना, आप आते होंगे लैग जैक हो जाता है, नहीं हो जाता। तो धरती पर हमेशा प्रकाश है, नॉर्थ पोल में दिखाते हैं, इधर नॉर्थ पोल ये है, इधर है इंडिया, इधर है अमेरिका। तो जब प्लेन चलता है यहां से चलता है, यूं जाता है अटलांटिका की साइट होते हुए, तो जब वहां से दिखता है, जैसे किसी पहाड़ से आप नहीं देखते हैं कि कई जगहें दिखती हैं, तो कुछ ऐसी जगहें दिखती हैं जहां अंधकार है और कुछ ऐसी जगहें दिखती हैं जहां रोशनी है। और उसमें मैं ऑटो मैप स्टार्ट कर देता हूं, वो लोकल टाइम बताते हैं, बाकी चीज बताते हैं, कहां पहुंचे हैं, वहां का समय क्या है, वहां दिन है रात है। तो धरती पर अंधेरा है ही है, प्रकाश है ही है, धरती पर हर स्थिति में रोशनी है। पर वो कह रहा है मैंने ऐसा अंधकार देखा जैसा इस पृथ्वी पर कभी नहीं देखा। उस अंधकार में मैं ऐसे घूमा, तो ऐसी कुछ किरण लगी मुझे, मैं शरीर से निकलकर चला गया। मैं इतनी स्पीड में जा रहा था कि उस स्पीड का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वहां मेरा यह ब्रेन नहीं था। एक सपने की तरह, जहां आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है लेकिन आपको स्वयं का पता नहीं होता कि आप कौन है या आप क्या है। मुझे वहां ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, देखना अभी। लेकिन बड़ी दबी हुई सी और लहराती हुई सी, जैसे बड़ी दूर से आ रही हो, और वो ध्वनि मेरे शरीर में से ही निकल रही थी। ठीक है, भाषा भाव और तर्क सब कुछ लुप्त हो चुका था। मैं मानव नहीं था, मैं पशु भी नहीं था, मेरी चेतना इनसे भी कहीं निम्न स्तर पर थी। मैं अंधेरे के समुद्र के अंतहीन गहराइयों में चेतना के एक छोटे से बिंदु की तरह था। धीरे धीरे मुझ में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस अचेत संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं यहां पर फंसा हूं। इस अवस्था में मैं कितनी तेज रहा इसका मुझे कोई अनुमान नहीं, क्योंकि वहां समय का अभाव ही खत्म हो जाता है, आभास ही खत्म हो जाता है। वह टाइम का पता क्यों, संकल्प नहीं है। हम समय को मूल्यांकन कैसे करते हैं, वेरी गुड, हम समय का मूल्यांकन करते हैं अपने संकल्प विकल्प से। मुझे ये बताएं मुझे कितनी देर हुई बातचीत करते यहां अभी, मुझे आए, वेरी गुड, आपकी घड़ी में अंतर है शायद, मुझे आए यहां करीब एक घंटा हुआ। ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं,
इन्होंने हिसाब लगाया, आपने कैसे अनुमान लगाया, मैं चार भजन गाया, बंदगी कराई और अपने विचार रखे। यानी हम समय का मूल्यांकन विचारों और क्रियाओं से कर रहे हैं, जहां क्रिया नहीं है तो क्या मूल्यांकन करेंगे, इसलिए वहां काल नहीं है और काल ही, ये जो समय है यही काल है, इसलिए इसको काल कहते हैं। कह रहे चेतना के एक छोटे से बिंदु की तरह था, धीरे धीरे मुझ में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं सचेत संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। इस अवस्था में कितनी देर रहा उसका मुझे कोई अनुमान नहीं, क्योंकि वहां समय का आभास ही खत्म हो गया। इसके बाद श्वेत सुनहरे रंग का अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और वो प्रकाश धीरे धीरे घूमने लगा और मेरे आसपास का अंधेरा छटने लगा। फिर मुझे एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देने लगी, भंवर गुंजार, एक सजीव ध्वनि, एक ऐसे सुंदर संगीत जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। आप देखो मैं कितनी बार कहता हूं कि वहां वो संगीत ऐसा है बिन बाजा झनकार उठते हैं, समझ पड़े जब ध्यान दे। मैं कह रहा हूं साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक है, लोगों ने कबीर साहब को डिफेम करने के लिए हमला किया अपने हितों के लिए। जब उन्होंने अध्यात्म की बात की तो उनका बाहरी अडंबर पूरा खत्म होने वाला था और एक बहुत बड़ा जनसैलाब भारत की तरफ कन्वर्ट हुआ साहब की तरफ, वो घबरा गए, उन्होंने देखा इसी से हमारी जीवन याचिका है, वो उनकी मजबूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक कर्मकांडी ब्राह्मण ने मुझसे दीक्षा ली, नाम लेने के बाद वो मुझे बोला गुरुजी तीन पीढ़ी से हम कर्मकांड करते हैं, यही मेरे पिता ने भी किया, बाकी परिवार ने भी किया। मैं बोला अब तो साहब की भक्ति ली, बोला गुरुजी मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा अन्य उपासना हमारी यहां वर्जित भी है, यानी एक परमात्मा की तरफ चलना है, तो आपने ये नाम फिर क्यों लिया। मैंने उनको कहा आप कंडीशंस जानते होंगे कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, फिर आपने क्यों दीक्षा ली, बोला सच यही है। उसने मुझे क्या कहा, सच यही है और मैं सत्य की खोज में था। इसके बाद श्वेत सुनहरे रंग का अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और वो प्रकाश धीरे धीरे घूमने लगा और मेरे आसपास का अंधेरा छटने लगा। फिर मुझे एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देने लगी, भंवर गुंजार, एक सजीव ध्वनि, एक ऐसा सुंदर संगीत जो मैंने कभी नहीं सुना था। फिर उस प्रकाश के मध्य में कुछ और उभरा, मैंने ध्यान से देखा और जानने की कोशिश की कि यह क्या है। वह एक द्वार था एक बिंदु की तरह, यही है शून्य द्वार, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में वहीं से उसका रास्ता है। ये सुषुम्ना में पहुंचा, ठीक है। जैसे ही मुझे यह समझ में आया कि मैं बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा, यानी यात्रा शुरू हो गई, बहुत तेज, इतना तेज कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं भी कहता हूँ इतनी स्पीड है 500 साल तक, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये मुझे मिले ना इसको पूरा समझा दूंगा। एक अद्भुत ध्वनि ने मुझे ऊपर की ओर खींचा था, ये साहब की कुछ ऐसी कृपा हुई। मैं कहा ना धूं धूं शब्द सुनने के पारा, धूं धूं शब्द ही जी उबारा, वो शब्द रूप में आत्मा को उठाते, ये भी यही कह रहा, मुझे वो चीज ले गई। इसको किसी को भी पढ़ने के देना लिए देना था, ऐसी व्याख्या करना था, आपने भी पढ़ा ऐसी व्याख्या समझे थे क्या, ऐसे ही तो हाँ में हाँ नहीं मिला रहा टुन्नू राम की तरह। नहीं, अभी आपने समझाया तो पता चल रहा है, पढ़ा तो मैंने भी था।
person. और इस तरह मैंने खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, वो क्या कह रहे हैं, उस प्रकाश के मध्य में मैंने छोटे से बिंदु नुमा द्वार के बीच से मैं निकल गया। मैंने देखा कि मैं अद्भुत दुनिया में पहुंच गया हूं। यही है सुन्न महल की सुन्न को पलट दिया। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल से वहीं से उसका रास्ता है। ये उसकी तुरिया बन गई, ठीक है, स्वाभाविक बन गई और साहिब की कृपा रही होगी। यह एक बड़ी अद्भुत और सुंदर दुनिया थी जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ऊपर से दिव्य मंत्रोच्चारण की तरह ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब मैं जिस लोक में था वहाँ सुनना और देखना दो अलग अलग क्रियाएं नहीं थी, दोनों एक ही थे। मैं दृश्य को सुन सकता था और ध्वनि को देख सकता था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ स्थूल इंद्रियां नहीं थी। वाह, यानी वहाँ शब्द भी दिखेगा। वहाँ हर इंद्रिय का काम एक ही चीज कर रही थी। अब आओ, कहा हे अर्जुन, इस आत्मा में शक्ति है, बिना हाथों के सभी तरफ से काम कर सकती है, बिना पैरों के चल सकती है, बिना आंखों के देख सकती है। तो ये वहाँ पर इसने इस आत्म तत्व को थोड़ा अनुभव किया, ठीक है। वो इसलिए कह रहा है एक ही चीज़ सब चीज़ कर रही थी, लेकिन इसको मैं शाबाश दूंगा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इसने इतनी व्याख्या कर दी, नहीं तो व्याख्या करना मुश्किल है। अब आप देखना, वहां हर इंद्रिय का काम एक ही चीज कर रही थी, मेरी दिव्य चेतना। वहां कुछ गलत करने का और गलत हो जाने का भी भय नहीं था। मुझ में विचार उत्पन्न हो रहे थे जबकि मेरे पास मस्तिष्क नहीं था। वहां भाषा भी थी लेकिन शब्दों वाली भाषा नहीं। मैं कहता ना, एक हंस के हृदय जो आई दूसरा समझ पुन जाई, आ रही बातें ना। विचार भी इस तरह से नहीं थे जैसे पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में उत्पन्न होते हैं। एक एहसास और हुआ कि मैं तो हमेशा से यहीं पर ही रहता हूँ, हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। मैं कहा नहीं, वहाँ जाने के बाद ये लगता है ये तो मेरा घर है। मेरे मुँह से जिसने ये सुना है हाथ खड़ा करे, देख रहे ना, ये बंदा कहीं दूर गया है। मैं यहाँ से भी ऊपर गया और मैंने पाया कि मैं अपने स्रोत के समीप, इतना समीप था कि ईश्वर और मुझ में कोई दूरी नहीं थी। लेकिन साथ में यह आभास भी हुआ कि मैं उस ईश्वर की तुलना में कितना छोटा हूँ। वहाँ मैंने जो ध्वनि सुनी उस ध्वनि को मैं ओम ही कह सकता हूँ और कोई शब्द उपयुक्त नहीं। यहाँ वो गलती कर रहा हूँ। मेरी चेतना इतनी विशाल हो गई कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा सकता था। मैं कहता नहीं हूँ कि वहाँ इतनी हजार गुना ज़्यादा कॉन्शियस बढ़ जाता, बोलता नहीं। मेरे शब्द कितने मिल रहे हैं इसमें, कितने मिल रहे हैं वो जो मैंने, कुछ नई बात लग रही क्या? शब्द ने मुझे बताया कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनेक है, इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा तो कितनी दूरियां हैं, कितना विशाल विशाल है। साहब ने भी कहा मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अंधेरे की पुष्टि में पृथ्वी एक फीके नीले रंग के एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देती थी। बुराई शैतानी ताकत बाकी सभी ब्रह्मांडों में भी है, लेकिन बड़ी कम मात्रा में पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पर अच्छाई और बुराई, शैतानी ताकत दोनों मिश्रित है। वाह, यहां बराबर है पर हर जगह, वो आगे नहीं गया ना, एक जगह वो शैतानी ताकत छूट जाती है। शैतानी ताकत आवश्यक भी है क्योंकि अगर यह बुराई नहीं होती तो हम उस आनंद में ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा भी नहीं करते। वेरी गुड,
ये बुराई शैतानी ताकत ही हमें ईश्वर की तरफ धकेल दे। वेरी गुड, साहब ने कहा काल भय से जोगी जागे, काल भय से तपसी तप कर रही, इसी के भय से ही तो सब तपस्या और ईश्वर की प्राप्ति कर रही। ये लिख रहा है, वंडरफुल लिखा है। मैंने देखा कि मेरे ऊपर और भी आध्यात्मिक लोग हैं, उन लोगों को जानने का एक भी उपाय है कि वहाँ जाया जाए और खुद अनुभव किया जाए। निम्न स्तर पर रहकर उच्च स्तर के आध्यात्मिक लोगों को नहीं जाना जा सकता, कारण इन लोकों में भी हैं, लेकिन पृथ्वी की तरह नहीं। उच्च आध्यात्मिक लोकों में व्यक्ति निम्न स्तर के लोगों की किसी भी समय की किसी भी जगह अथवा घटना को देख सकता है, भूतकाल और भविष्यकाल दोनों, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पृथ्वी पर मुझे अपने मस्तिष्क और शरीर की सीमित शक्तियां द्वारा ही कार्य करना पड़ा। देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन शरीर में आने के बाद मैंने कई बार बोला है ना कि अंदर का जो बल है वो ये शरीर नहीं संभाल पाएगा। इस ब्रेन की एक कैपेसिटी है, वो इस जीवन की घटनाओं को ही नहीं में उलझ जाता है तो कई जन्मों की घटना है तो पागल नहीं हो जाएगा। आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाना, किससे भी सुनना, कोई नया शब्द नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है, वह बड़ा अच्छा कर, उस लोक में आप सिर्फ सोचते हैं और कार्य हो जाता है। मैंने नहीं कहा, कितनी बार कहा है ना, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। अभी इसकी उत्कंठा बताता हूं, आप भंवर गुंजार के बारे में सोचते हैं और भंवर गुंजार होने लगती हैं। आप जिस लोक के बारे में सोचते हैं तुरंत आप उधर होते हैं। वेरी गुड, मैंने नहीं कहा यहाँ से सोचा सूर्य पर तो आप सूर्य पर होंगे, यहाँ नहीं होंगे। जिन्होंने ये शब्द मेरे मुंह से सुने हाथ खड़ा करना। अरे ये है व्यंगम चाल, बोला मैं ऐसे कर रहा था, ये 100% राइट लिख रहा है। मैं जितनी देर शरीर से बाहर रहा, मैं अंधेरे से प्रकाश, प्रकाश के मध्य में बने छोटे से द्वार और द्वारों से उस लोक में अनेक बार आया और गया। जब आप एक स्वप्न देखते हैं, उदाहरण दूं, स्वप्न के दो आधार हैं, एक परिस्थितियां, एक विचार। अगर आपको परिस्थिति कैसी, पेशाब आ रहा है, आपके यूरिन ग्लैडर में पेशाब का फोर्स है, नींद में भी, तो क्या होगा पता है, कोई बता सकता है? आप पेशाबदानी ढूंढते रहेंगे। अगर आपकी बड़ी आंख टूल बैग में लेटरिन इकट्ठी हो गई है, प्रेशर आ रहा है, तो नींद में भी लेटरिन ढूंढते रहोगे, कभी कभी कर भी दोगे। क्यों हंस रहे हो, कभी हुआ ना, किया भी ना? बड़ा आदमी नहीं करेगा, थोड़ा अगर थोड़ी ट्राई किया तो उठ जाएगा, पर होगा यूं, मेरी हर बात दिल में लगेगी। हमें अपने मूल स्वरूप में पहुंचने के लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है प्रेम। प्रेम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह सच है, सच में है, और इसी प्रेम ने समस्त अध्यात्म का ताना बाना बना, और ये एक आत्मा है। मैं कहता हूँ प्रेम पुत्र है ईश्वर का, ये जब आ जाता है ना फिर क्या कहना। मैं कि हम इस ईश्वर से अलग हो गए हैं और यह भ्रम हमारे सभी दुखों का कारण है। सभी दुखों का उपाय भी सिर्फ एक ही है, यह ज्ञान हो जाना कि हम
हमें उस ईश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता. वेरी गुड. विज्ञान में और उस अध्यात्म लोक में कोई विरोधाभास नहीं है. कुछ वैज्ञानिक अवश्य ये मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने जो उस लोक में देखा और अनुभव किया उससे ज़्यादा वैज्ञानिक कुछ भी नहीं हो सकता. समझिए, तो मैं नहीं कहता मैं वैज्ञानिक हूँ, ये भी कह रहा है उसको जानने के बाद कोई ऐसा विज्ञान उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है. ये यही तो बोल रहा है. आर्म स्ट्रांग चांद पर गया वैज्ञानिक वो, हाँ, क्योंकि उसे देख लिया ना. कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, क्योंकि मैं ही तो विज्ञान कर रहा था. विज्ञान के पास सबसे बड़ा औजार है मानव चेतना. चेतना के बिना विज्ञान कुछ भी नहीं, और आध्यात्मिक लोग में जो शुद्ध चेतना ही कार्य करती है उससे अधिक वैज्ञानिकता भला और क्या हो सकती है. इतनी शुद्ध चेतना वैज्ञानिक के पास आएगी कहाँ जो वहाँ हमें प्राप्त हुई. देखो कैसा बोल रहा है. कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है और यह विज्ञान की सीमा से परे है. चेतना विज्ञान की सीमा से परे हैं, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये खुद एक वैज्ञानिक है. ज्ञान इंद्रियां हमारे मस्तिष्क को सूचना देती हैं. इन्हीं सूचनाओं के आधार पर ही मस्तिष्क बाहरी दुनिया का एक ढांचा तैयार करता है, लेकिन मस्तिष्क को सत्य का पता नहीं है. ये विचार इसमें कैसे आए? ऑटोमेटिक वहां पहुंचने के बाद अद्भुत ज्ञान आ जाता है. ठीक है, कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान. बस दो मिनट है. लेकिन मस्तिष्क को सत्य का पता नहीं, मस्तिष्क स्वयं एक धोखा है. मैंने कितनी बार कहा है मस्तिष्क धोखा है? कितनी बार कहा? ये फ्रॉड है, ये छल है, यही कर ये बुलाता है हमें इस संसार में. भैया जिस दिन मैं खुद लिखूंगा ना गजब कर दूंगा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं. लोग मेरी बातों को सुनकर अपने अपने अलंकरण मिला कर खिचड़ी कर रहे हैं. ठीक है, उनको कहता हूं अपना अनुभव नहीं मिला गड़बड़ होगी, लेकिन वो बाज नहीं आते. अपने को बहुत बड़ा राइटर मान बैठे हैं जबकि उनको अभी तक हिंदी का ज्ञान भी नहीं है. सुनना, मस्तिष्क स्वयं एक धोखा है. इस बात का ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैंने ये जाना चेतना मस्तिष्क पैदा नहीं करता बल्कि मस्तिष्क उस चेतना को कम कर देता है. वाह, उसकी कैपेसिटी कम है. क्योंकि ये नॉन फिजिकल चेतना इतनी अधिक होती है कि मस्तिष्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता. तभी तो आपकी आत्मा में जन्म जन्मांतर की बात याद है. जब पहली बार सतलोक जाते थे तो हम तो यहाँ थे कई युगों से, यानी वो दिव्य चेतना आपको ज्ञान देगी. इसलिए जब आत्मज्ञान हो जाता है संपूर्ण ज्ञान हो जाता है. आत्मज्ञान सम ज्ञान न कोई, फिर उनसे मत पूछना क्या क्वालिफिकेशन है, वो डिग्री अभी तक दुनिया में बनी नहीं है. ठीक है ना, जितने पढ़ लिख रहे हैं वो कक्का किक्की के स्टूडेंट हैं उनके आगे, इसलिए उनमें एक आत्मविश्वास झलकता है. वो अहंकार नहीं है, वो एक भरोसा है. कितना भी इंटेलिजेंट आदमी आ जाए मैं उसके आगे कभी भी शर्मिंदा भी नहीं होता हूँ और दबता भी नहीं हूँ. घमंड थोड़ी है, आत्मविश्वास है. क्योंकि मस्तिष्क की बड़ी सीमित क्षमता होती है, मस्तिष्क उतनी ही चेतना रखता है जितनी इस जीवन के लिए आवश्यक. मुझे ये लग रहा है जैसे मेरी नकल की हुई है, नहीं लग रहा है? अनुभूति है. मैंने नहीं कहा कई जन्मों की चीजें आपको याद हैं, लेकिन मस्तिष्क सिर्फ इस जीवन की समस्याओं को ढो करके परेशान है तो पिछला क्या याद करेगा? आप तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा. ये वर्डिंग आपने मेरी जो वर्डिंग सुने सब आपके अंदर है.
कुछ वैज्ञानिक ये मानते कि चेतना को कोई अस्तित्व नहीं है और यह विज्ञान की सीमा से परे है। चेतना विज्ञान की सीमा से परे है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि चेतना का अस्तित्व नहीं। और जिस दिन चेतना को समझेंगे उस दिन आत्मा को मान जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो है ही चेतन। इसलिए अभी वो नहीं समझ रहे तो कह रहे कोई आत्मा नहीं है। यहां मेरा तर्क कैसा है? ज्ञान इंद्रिया और मस्तिष्क को सूचना देती है, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर ही मस्तिष्क बाहरी दुनिया का एक ढांचा तैयार करता है। इन्हीं से तो मस्तिष्क की चेतना बढ़ी ना, देखा ये सुना ये, अब वो मृदु क्यों बोल रहा है, ऐसा ऐसा करो, उन्होंने सुना, जो जो सुना वही दिमाग में रखा, दिमाग उससे विकसित हुआ। डॉक्टर साहब आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, मैं क्या बोला, किसी एक साइड से ही तो चिंतन किया ना, क्या ख्याल है, किसी एक तथ्य की साइड में ही तो चले ना। पटाटे को पूरा समझे क्या आप, आलू, आलू पर भी पीएचडी होती है, आलू की पीएचडी वाले से पूछो तो आलू मैं दुनिया में बता देगा। तो आप एक साइड से ही तो चले ना, सर्वज्ञ नहीं कह सकते आपको। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बोला सर, पीएचडी होता ही वही है जो बिल्कुल थोड़ा सा जानता है बस, बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि ये नॉन फिजिकल चेतना है आत्मा, सुरति इतनी अधिक होती है कि मस्तिष्क उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मस्तिष्क की बड़ी सीमित क्षमता होती है। मस्तिष्क उतनी ही चेतना रखता है जितनी वस्तु जीवन जीने के लिए जरूरी है। बस मैंने कितनी बार बोला, दिमाग का इतना काम है कि क्या खाना है, शरीर के लिए क्या करना है, कैसे रहना है, इसका इतना ही मतलब है, इसको ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं। इसने भी लिखा ना, ब्रेन एक फ्रॉड है, और मैं कहता था मेरे अलावा पहले दुनिया में किसी ने नहीं कहा है, और ये वैज्ञानिक भी अगर गया है तो मेरे बाद ही गया है। मैं 49 साल से उस दुनिया में घूम रहा हूँ। .com पर जाकर देखना एलेक्जेंडर की एज क्या है। ये था ना, और अपन बात कर रहे हैं 1970 की। अपन सीनियर हैं, अगर वो वहाँ गया भी होगा तो, पर नहीं अभी मुझे शंका है इसने गया है, कहीं था ये, अभी मंजिल में था, क्यों गुरु बिना वहाँ पहुँचता नहीं है। अगर जाता होता तो मैं वो भी कहता। अगर इसको ही पढ़ के विश्लेषण देना हो आधे आदमी गुड़ का गोबर बना देंगे। आवाज वहां तक नहीं आ रही क्या? नहीं बना देंगे गुड़ का गोबर, जबकि हिंदी है। स्थूल ब्रह्मांड का अस्तित्व उस आध्यात्मिक ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण के समान है। आध्यात्मिक जगत बहुत विशाल है। इस ब्रह्मांड में 70% डार्क एनर्जी और 26% डार्क मैटर है। इस डार्क एनर्जी के कारण ही ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, और जो फैलेगा वो ब्लास्ट होगा। हम मुक्त हैं, लेकिन हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हमेशा यह आभास रहता है कि हम बंधे हुए हैं। हमारे पास उस समय सत्ता के साथ जुड़ने की शक्ति है, लेकिन हम यह भूल चुके हैं कि हमारे पास वो शक्ति है जो अज्ञान है। यही अज्ञान है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने मस्तिष्क और शरीर को ही सब कुछ माना। यही बात तो राम जी से पूछा। पता है मुझे एक अफसोस है, एक तमन्ना रह गई कि जितना मैं उस अध्यात्म जगत की जो मेरे पास चीज थी दुनिया में उतनी मैं फैला नहीं पाया, ठीक है ना, ये मुझे अफसोस है। और क्योंकि ये मैटर बहुत कठिन है, और ये महात्माओं को समस्या आई, उनका लक्ष्य होता है हम पूरे विश्व तक इस चीज को पहुंचाएं। मान लिया है हमारा मस्तिष्क उस विराट सत्य को आच्छादित कर देता है, हम वही देखते हैं जो हमारा मस्तिष्क हमें दिखाता है, और वही सुनते हैं जो हमारा मस्तिष्क हमें सुनाता है। आध्यात्मिक जगत में जाने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं हमारे मस्तिष्क की तर्क शक्ति, बुद्धि और हमारा आप सेल्फ, देखा ये हमें रुकावट है। यार डॉक्टर रमणी कैसा नहीं लग रहा है जैसे मेरा कुछ तो कह रहा हूं,
यही हमारा आपा है, हमारे मस्तिष्क की तर्क शक्ति बुद्धि, और मैं यही कह रहा हूँ, यही आपा अर्थार्थ ओन सेल्फ जो फील करें, ये भी फ्रॉड है। उस आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए इस भौतिक जगत को बुलाना पड़ता है। आप दोनों जगह नहीं हो सकते, जब तक आप भौतिक जगत में हैं आप आध्यात्मिक लोक में नहीं जा सकते हैं। उस लोक में मुझे एक ही दुख हुआ और वो दुख इतना भयंकर था कि इस पृथ्वी पर उस दुख की कोई तुलना नहीं है। यह दुख मुझे तब हुआ जब उस स्थान उस स्वर्ग को का द्वार मेरे लिए बंद हो गया और मैं अत्यंत उदास हुआ, क्योंकि मुझे वापस पृथ्वी पर जाना था जहाँ से मैं आया था। और इसमें यूँ होता है, जब ये पूरी स्थिति होती है बाद में द्वार बंद होता है तो एक पल में लगता है हम धरती पर है, ठीक है ना। लोगों से पूछता हूँ गए कैसे, तो वो मुझे बताते जो झूठे मैं पकड़ता हूँ ना, वापस आने में कितनी देर लगती है? बोला उस नहीं, वापस आने में देर नहीं लगती है। अरे आप पेड़ पर चढ़ जाओ 70 फीट और गिरने में कितना टाइम लगेगा, बस ऐसे कह जाओ। अब मैं उस लोक से वापस आ गया हूँ, सारी दुनिया के वैज्ञानिक भी अगर मुझे मनाने की कोशिश करें कि वो लोक नहीं है, मैं कभी नहीं मानूंगा। ये भी मेरा वर्ड नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ पूरी दुनिया खड़े होकर कहे कि वो नहीं है, मुझ पर असर नहीं पड़ेगा। लग रहा है वर्ड ही पूरे है, कुछ वहाँ भी नकल शुरू हो गई है क्या? पर नहीं, ये जिस अवस्था में जा रहा है ना, पर थोड़ा इसमें सस्पेंशन भी है इस वर्डिंग में, वो आप नहीं पकड़ेंगे, मैं पकड़ूंगा। सतगुरुदेव की करो बंदगी।